उपमंडल चुराह के ऊपरी पहाड़ों पर बर्फबारी होने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बर्फ की चादर ने पहाड़ों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में बर्फबारी के सीजन को लेकर लोक निर्माण विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन की ओर से सभी विभागों को बर्फबारी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं, वहीं लोक निर्माण विभाग मंडल तीसा के ऊपरी पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद अलर्ट मोड पर आ गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जोगेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है और उपमंडल तीसा में भारी मात्रा में बर्फबारी होती है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने अपनी मशीनरी सहित कर्मचारियों को भी अलर्ट मोड पर कर दिया है ताकि सड़क लगातार बहाल रहे और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग लोगों को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए दिन रात प्रयासरत है। जी सर, बताएंगे, जैसे कि पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, सभी विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से आने वाले सर्दियों के समय को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है? नमस्कार जी, हमारे यहाँ जो सर्दियों में काफी बर्फ पड़ती है तो हमारी जो मशीनरी बिल्कुल तैनात है इसमें, और जैसे भी बहुत ज्यादा भी बर्फबारी हो जाएगी तब भी हम प्राइवेट मशीनरी भी हायर कर लेते हैं ताकि जो रोड कंटिन्यू चलते रहे। तो इसमें हमारी पूरी तैयारियां हैं कि सर्दियों के मौसम में कैसे निपटना और कैसे रोड को खुले रखना है। हिमाचल प्रस्तुत के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।